बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नाजरीन तुहाडी खिदमत च हाजिर है तुहाडा होस्ट बाबर बेग ए बी एच सी टी वी की तरफों ते नाजरीन साढ़े नाल ने साढ़े वड्डे भाई साड़ी जिनजान शौकत रंगीला साहब जिस तरह कि तुसी साबका वीडियो देखी एक्चुअल मैनू भी पता नहीं सी कि भाजी किसी परेशानी च या मेरा तरीकाकार गलत सी सोया वे कि जरूरी नहीं कि हर बंदा जिहड़ा हर टाइम एक जैसा होवे सो वो पता नहीं उस टाइम अपनी कि प्रॉब्लम सन वो सानू बाद पता लगा इन्हों की कोई प्रॉब्लम सी वो उस कंडीशन च बैठे सन या किसी तकरार हो रही थी फोन पर तो सो है वे कि मैं भी उस टाइम माइक लैके आ गया लेकिन मैं जो सुबह भाजी कॉल किया तो मैं आप कह रहे सन कहने यार मैं आप समझना कि जो भी सी वो अच्छा नहीं सी मैं दोस्तों ने दसदा चला जिहड़ा मेरा चैनल है ए बी एच डी टी वी ए सब तो सरकर्दा और मेन किरदार जिहड़ा इन्हें इत्थे तक पहुँचाणदा उहदा सिहरा जिहड़ा वह भाई शौकत दे सिरे भाई शौका जी वह ने कि जदों मैं मतलब आंदा सां तो इन्होंने मेरे वास्ते काम जिहड़ा कढ़ के रखिया हुंदा सी कि यार फलां वी है फलां वी है फलां वी है फलां दा करना तू फलां दा करना उहदा कर ले नहीं चल मेरे नाल अपनी इंट्री छड़ के अपना काम छड़ के मेरे नाल जांदे सन मेरे वास्ते भी उस दिन हैरत वाली गल सी कि ऐसा हरगिज़ क्यों लेकिन है वे कि मैं जी उस वीडियो के लास्ट भी कहा कि मैं भाजी को दोबारा जावांगा और भाजी हमेशा साढ़े ना प्यार करते ने अलहमदुल्ला इन्हों की जिंदगी जी सराता मुस्तकीन के रस्ते चल रही है और इस टाइम पांच वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और रोज़े रख रहे ने तराबियां माशाल्लाह पढ़ते हैं तो सानू इस गल की बड़ी खुशी है बाकी वो फैसले अगे ने अल्लाह सोहना जानता है कौन चंगा है कौन भैड़ा है लेकिन अलहमदुल्ला बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं तो सो असी भाजी ने गल करने हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जनाब बाबर साहब की हाल है ठीक हो तबीयत ठीक है अलहमदुल्ला भाजी तुसी वड्डे हो मैं तुहाडे को पहले तो मदद करना कि उस नाल कोई मदद नहीं होते परेशानी मेनू भी सी कोई तुसी परेशान सो तुसी आए हो बस हो जांदा गलतफहमी हो जी कोई ऐसी गल नहीं बाबर साहब जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जनाब जी मंदर मीन साहब तुसी उस नाल ही सो मैं ते सही पुछो ते मैं भाई का करना अदब वरना जिमें भाई ने माइंड किया सू भंडिया पूरे गुजराने मेरा दिल करता मैं भाई के मुझे टक्कर मार के ना सू लस्सी कर लव लेकिन फिर भी भाई मैं माजर चाहना सॉरी कि साढ़े को उदन गलती हो गई सानू नहीं पता कि तुम घरों परेशान आ रहे हो तुम कोई टेंशन हैगी है लेकिन चलो मंदिर साहब थोड़े जो गलत सा मैं समझना कि हैरान अचानक ही हो गया ना जी सारा कुछ तो फिर ये वे कि लेकिन चलो जो होया मतलब अलहमदुल्ला जे गल है कि असं भा दे नाल बैठे हैं सानू इस गल की खुशी है नहीं नहीं खुशी देखो मेरी गल सुनो मैं तो नहीं, मैं एक मजाक नहीं जोक नहीं है भाजी माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो मर्जी हो जाए ये सानू मजद नहीं लगते किसी पास अल्लाह ताड़ी खैर करे मंदर सीरियस नहीं हो सकते मैं तो दुआगो हाँ अल्लाह पाक चैनल भाग लाए लोगों चले हो तुम जिन्हें जिन्हों के नाल तुरे हो जिन्हों की मदद मदद तो अल्लाह पाक ने करनी है तुम्हें वसीला बना के कलिया क्या इसलिए तुम हर बंद तुरे हो अल्लाह पाक तुम इस तरह ही रखे तो मेरी दुआ वे कि अल्लाह पाक जिन्हें मुसलमान ने इन्हों अपनी हिफाजत रखे पाक महीने के सदके रहमदाले महीने सदके मंदर साहब किसी का दिल जिहड़ा हुंदा ना तुसी मेरे छोटे भरा हो मैं कभी अपने दिल च वो गल नहीं रखी जिहदे नाल कोई ऐसी गल जिहदे नाल अल्लाह नाराज हो गए तो मैं तुहानू दुआ ही है तो दुआ नहीं मैं कहना चाहना वा कि असी चलो जो असी काम करते रहे हैं या हुण तुसी करदे हो तुहानू गल करके हसाना पैंदा कर दे लेकिन मैं तो मजाक तो अलावा गल कर रहा हाँ कि तुसी वाहिद आर्टिस्ट हो कि तुहानू वेख के हासा आ जांदा है ये नहीं कि तुहाडी इज्जत नहीं करते असी दिलों जानना तो डिस करने साढ़े व्डे हो लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी तुहाडे दे कि लोग तुहानू वेख के हसना पैंदे मंदर साहब सब तो वड्डी मेरी कोई गल नहीं हैगी ये अल्लाह पाक की रहमत है मेरे उस्ताद रंगीला साहब के पैरों के सदके मैं जो कुछ भी करना उन्होंने पैरों के सदके अपनी माँ के पैरों के सदके अपने माँ बाप के पैरों के सदके सब कुछ इज्जत जिल्लत अल्लाह पाक दे हथे मैनू सारी इज्जत मेरी माँ मरण तो पहले एक गल कह गई सी मेरी मैं अपनी माँ के पैर धो धो पीते ते मेरी माँ मैनू जांदियां दुआ दे के गई सी ना तेरे को रिजक मुकेगा ना तेरे को इज्जत मुकेगी ना तेरे को काम मुकेगा मेरा अल्लाह ते यकीन है जेड़ा अल्लाह ते यकीन करता है उन्होंने बड़े भाग ले तुहाडे अल्लाह दे यकीन ने तुहानू वेखो ना बाबर साहब कित्थों टुरे सन ते इसलिए किन्नी अल्लाह की रहमत है हर बंदे को दुआ दे साडा जिहड़े साडे नाल
ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਰੋਦਾ ਸੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਲੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹਨੇ ਰੰਗੀਲੇ ਕੈਸਾ ਜਾਦੂ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ ਤੂੰ ਭਾਸ਼ਵੀਰ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਸ ਜਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਾਰੇ ਖੈਰ ਦਾ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਈ ਕੇਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਲਾਹੌਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮੈਟਰਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੱਤ ਪੱਖਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਪੋਟ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਵੇਖ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਣਾ ਜੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈਪੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹਸਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਨ ਆਸ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਊਨ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਵਾਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਬਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਕਾਮਰਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਡੇ ਟੂਮਾਰੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ 10 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਬਹਾ 1:30-2 ਵਜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੌ ਗਿਆ ਸੁਬਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਜਰ ਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 10:06 ਜਵਾਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਓਏ ਬੇਵਕੂਫਾ ਉੱਠ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਨਿਕਲ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਡੱਬੇ ਡੁੱਬੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਪੂਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 10:30 ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ 12 ਵਜੇ ਅੱਗੇ ਸਫਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਡਲ ਪਹੁੰਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ
कि तुसी नीयत इरादा कर लो जी बिल्कुल अल्लाह पाक तुहाडे नाल पढ़ाई दा फैसला कर लैंदा तुहाडे बच्चे जी ने अल्लाह तुहानूं जिंदगी यही गल तुहाडी नीयत साफ सी उस्ताद ने तुहानूं फोन किया तुसी उठ पाया सेल अहमद साहब एक ऐसे आदमी ने अल्लाह उन्होंने जिंदगी देवे और भैन भरावान भी जिंदगी देवे मैं उन्होंने नाल एक तुर्की गया वा ना अच्छा मैनू इन्ना मैं हर बंदे नूं गल सुणाउंदा ना कि तुर्की गया तो मेरे नाल बड़ा प्यार किया मैनू मस्जिदा ही लै गए ने आप सरकार की जिथे जुल्फा मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाइया उत्ते जाके सारी जगह इंसान पैदा होता एक कसीए रिपोर्ट से बैठे हैं जाद लेट एक माई भाई दी आई है तो सेल साहब ने जफा पा लिया उन्हें कहा वे पुत्र मैं जिंदगी अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी की है मैं क्या मैं कभी तो जिंदगी सेल मिलेगा मैं अपनी फैमिली ना मिलावांगा तो सेल साहब ने जफा मार के मिली तो इन दोवां तो तुम यकीन करो कि सेल साहब के भाई फौत हो गए मैं नहीं पता मैं अज पता लगे तो मैं इस गल की भी मादरत है उन्होंने को मैं मेरे ना उन्होंने प्यार बड़ा किया है मैंने इज्जत की है तो अल्लाह ताला उन्होंने भी तंदुरुस्ती दे तो अल्लाह उन्होंने भी जन्नत नसीब करे आमीन आमीन ते प्यारे लोग ने बाबर साहब अल्लाह तुहानू रिजक देवे इज्जत देवे चाहे चैनल में भी रिजक देवे इज्जत देवे तुसी जिहड़ा काम कर रहे हो ये अल्लाह पाक तुहाडे ते किन्ना कु राज़ी है किन्नी कु रहमत है तुहाडे ऐ वेखो हर बंदे हुण तुसी एक इंतजार च खलोते कि बंदा अंदर है तो तुसी बाहर सौदा लैके सारा खलोते हो कि यार राशन है महीने का तो वह जिन्हों राशन देना वह पर नहीं पता कुछ भी बेखबर हो पता ही नहीं लेना चाहिए बाबर साहब असी ताडे लई दुआ गोवां हर नमाज के बाद हर अपने मुसलमान लई यही दुआ मांगने कि या अल्लाह इस मुल्क ते अपनी रहमत आमीन आमीन इस मुल्क ते को साडे को गलती कटाई है ते असी तेरी नबी दी उम्मत आ तू सानू माफ कर दी ते इस करोने वाली बीमारी नू दूर लै जा ते मेरे यही है कि मेरे सारे मुसलमान भरा पूरे रोदे रखो तराबियां पढ़ो वितर पढ़ो तो अल्लाह नू याद करो तो मैं तुहानू लिख के दे देना करोना नहीं जो हो सकता अल्लाह की रहमत अच्छा मंदर साहब ऐसा महीना है रहमताला महीना कि अल्लाह पाक नू लुटन दा महीना है मैं सवेले जाना वा तैयद पढ़न तैयद पढ़ के तैयद की नमाज पढ़ के कुरान पाक खोल के तो अल्लाह पाक के दुआ करना कि अजे ऐ चाहिए तो मैं पैदा करने की कसम है मैं वो ही मिलता है वही तो महीना भैड़िया लुट लो अल्लाह जिन्ना लुट सकते चोरी आने के मैंने एक बंदा तो चोरी करना मैं गया कितने मैं अल्लाह की अल्लाह को चोरी करी दी चीज़ दे आ चीज अल्लाह दे ही जाता है अल्लाह ने औलाद अच्छी दी है अल्लाह ने रिजक दिता है अल्लाह ने कार दिता है अल्लाह का तो इन्ना शुक्र करा कि मैं सारी जिंदगी सहीदे च पई रहा तो फिर भी थोड़ा खुदा का वास्ता है नमाज ना पढ़ो तो आई लव यू जिंदे रहो वसते रहो अल्लाह आबाद रखे इस उम्मत नू नबी पाक दी नू आमीन आमीन लो भाजी हुण तुसी साडे नाल कोई नाराजगी ते नहीं 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 कदी बाबर साहब मैनूं मेरे बच्चियां दी कसम है तुसी मेरे बच्चे हो दोवें मेरी कोई नाराजगी नहीं मेरे तुसी पुत्तर हो ना मेरे दिल च पहला सी ना होणे जिउंदे रहो वसदे रहो अल्लाह तुहानूं तुहाडे बच्चियां ते सलामत रखे जज़ाक अल्लाह नाज़रीन साडे नाल सन शौकत रंगीला साहब और मंदर अमीन साहब और यकीनन इहदे च मुहब्बत भरे मैसेज सन ते इहनां नूं जरूर अगर अच्छे लगन ते दोस्तां च वी शेयर करिया करो तो जे हुण तक तुसी साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया जरूर करो ताकि इस तरह दियां बेशुमार वीडियो तुहानू मिलदियां रहन इहदे नाल ही तुहाडा होस्ट बाबर बेग तुहाडे कोल इजाजत चाहेगा तो सारे मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद।